चंडीगढ़ में बीती रात आंधी ने जो तांडव मचाया उसके दृश्य आपके सामने हैं। अर्थ प्रकाश आपको ग्राउंड जीरो से ये तूफानी कहर के दृश्य दिखा रहा है। तूफान के साथ बारिश की बूंदों ने जरूर सिटी ब्यूटीफुल के लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन अंधेरी रात में सड़कों पर गिरे ये पेड़ गवाह बन गए कि राहत देने वाली बारिश अपने साथ कहर ढहाने वाला तूफान लाई थी। देखें अर्थ प्रकाश के लिए राकेश की ये रिपोर्ट। ये क्षतिग्रस्त एसी है और ये साथ में गाड़ी खड़ी है जो बाल बाल बच गई है, नहीं तो इसके ऊपर भी अगर गिरता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, जिसकी भरपाई का सिर्फ एक इंश्योरेंस का क्लेम ही रास्ता रह जाता है। ये मकान नंबर 1050 सेक्टर 7 में आम का पेड़ का टहना गिरने से एसी को क्षति हुई है, साथ में एक एक्टिवा भी टूटा है और अभी तक यहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाया है। ये कंप्लेंट इन्होंने दर्ज कर रखी है, सरकारी मकान है, सेक्टर 7 का। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिफेंस के मकान है ये, MES के और मिले जुले मकान यहाँ पे सबको अलाट हो रखे हैं और ये एसी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये है मकान नंबर 1050 सेक्टर 7 जो पेड़ गिरा हुआ है और ये महिला हैं जो इस मकान में रहती हैं। इन्होंने बताया कि ये पेड़ की शिकायत कई बार की है लेकिन इसे काटने कोई नहीं आया, तो आज इनके एक्टिवा को और एसी को क्षति हुई है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है, ये पूरी तरह से असुरक्षित है।